तो दोस्तों कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं जब आप किसी दुकान पर जाते हैं या फिर कोई व्यक्ति आपके पास कोई चीज़ खरीद कर आता है और आप उससे अपनी बातचीत को करते हैं, जैसे कि ये आपको कितने रुपए का पड़ा, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू, यानी कि यह आपको कितने रुपए का पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सारा पैसा एक साथ ही देना पड़ेगा, ये आप जब बोलते हैं जब आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ उधार लेते हैं और आप उसको कुछ पे करना चाहते हैं लेकिन वो बोलता है कि आपको सारा पैसा एक साथ ही पे करना पड़ेगा, तो आप इसे बोलेंगे डू आई नीड टू पे अपफ्रंट, तो इस तरह से आप इसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये कितने रुपए का है, तो ये आप जब बोलते हैं जब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं और आपके उसकी वैल्यू के बारे में पूछते हैं कि ये कितने रुपए की है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज इट फॉर, यानी कि यह चीज कितने रुपए की है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अब आप जब कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो तब पूछते हैं कि मुझे इस चीज़ के कितने पैसे देने पड़ेंगे या फिर मुझे इस चीज़ के कितने पैसे देने हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच डू आई नीड टू पे, यानी कि मुझे किसी चीज़ के कितने पैसे देने हैं जो चीज़ आपने खरीदी है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।